बंदी को लेकर संयुक्त मोर्चा ने किया ऐलान, सारे प्रबंधक परेशान, जिसमें सरकारी सेवाओं विशेषकर बैंकिंग सेवाएं और कोलेरी वही पूरी रूप से ठप। राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय बंदी को लेकर धनबाद के अनेक जगहों पर यह सारा चीज सन्नाटा दिखा। बिहार जनता खान मजदूर संघ और साथ ही साथ सीटू, मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे यहाँ तो चल रहे हैं यूनिट, लेकिन उसमें खासकर बीएमएस ने इसका समर्थन नहीं किया है। प्रश्न उठता है कि किस तरह का बात यह है और किन किन कारणों से यह देशव्यापी बंदी अभी की गई है। हालांकि विशेष तौर पर जब बात किया गया तो इस बात को समर्थन और विपक्ष दोनों तरीके से देखा जा रहा, लेकिन मूल रूप से यह बात है कि जिन लोगों ने इस बंदी का समर्थन किया है उसका मुख्य कारण यह है, उनका कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जिस तरह से हर विभाग को प्राइवेटाइजेशन के आगोश में डाला जा रहा है, कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि पूरी सरकारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी और हमें प्राइवेटाइजेशन का शिकार होना पड़ेगा। मानस चटर्जी जो कि सीटू के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हालांकि वैसे जगहों पर समर्थन नहीं मिल पाया है जहां के बीजेपी के समर्थक मौजूद हैं। दूसरी ओर हलधर महतो जो कि केंद्रीय सचिव हैं, बीसीकेयू के केंद्रीय महासचिव के पद पर भी मासस पर हैं, उन्होंने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया और कहा है कि इस प्रकार की नीति को किसी तरीके से स्वीकारा नहीं जाएगा। बिहार जनता खान मजदूर संघ से संजय यादव ने भी अपने स्टेटमेंट को सरल शब्दों में रख दिया है कि सरकार गलत नीतियों को सामने लाकर रख रही है और आने वाले समय में यह तय है कि मजदूर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक बात हम जानना चाहते हैं कि बहुत से कोलेरी में हम लोगों ने दौरा किया, बहुत से कोलेरी चालू है और बहुत से कोलेरी बंद है, ऐसे में आपका कोलेरी केसलपुर बंद है या चालू है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, केसलपुर कोलेरी टोटली बंद है, 100% बंद है, आप देख भी सकते हैं। और रामकलाली भी बंद है, सलामपुर भी बंद है। अगर सरकार मजदूर के हित रिकॉर्ड बनाएगी तो टोटल अंडरग्राउंड माइन से बंद। कौन सा कारण है कि मजदूर को हड़ताल करना पड़ रहा है? कई खदान जो चल रहा है, कभी एक दिवसीय, कभी दो दिवसीय, कभी महाधरना, मुझे लगता है यह सोचने का प्रश्न है और सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी बंदी मजदूरों का ऑल इंडिया मुख्य कारण है जिसके कारण से आज मजदूर असंतोष की भावना अपने अंतर्गत रख रहे हैं। इसी का और सारा चीज, सारे सार्वजनिक उद्योग के मजदूर बंद है, उसमें कॉल इंडिया के मजदूर की बंदी में कहीं पर छिटपुट आप देखते हैं तो जो बीजेपी समर्थक है, बीएमएस समर्थक है या बीजेपी समर्थक है, नरेंद्र मोदी के समर्थक है, वो चालू है और जो लोग उसका विरोधी है वो बंद है। 100% कभी हो नहीं सकता है, जो सच्चाई है। तो जो लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में है वो बंदी में है। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर, ये जो दो दिवसीय हड़ताल है ये किस लिए रखी गई है और इसका क्या मतलब प्रक्रिया है? देखिए, ये हड़ताल पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल है, पर हम लोग चूंकि कोल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोल सेक्टर जो प्रमुख मांग हम लोगों का है, अभी जो केंद्र सरकार ने फोर कोड नियम जो लागू किया है वो पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। इससे मजदूरों का बहुत सारा हक का हनन होगा और ये जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में भी हम लोग सब यहाँ पे जब हमारे संवाददाता संतोष देने हमारा शीर्ष नेतृत्व अनेक एचएमएस यूनियन के लीडर से बात करने की कोशिश की तो सभी लोग उनसे जो कड़े शब्दों में उन्होंने पूछा इसको छोड़ के बहुत जगहों पर हमने देखा कि कोलेरियां चल रही है, बहुत जगहों पर कोलेरी नहीं चल रही है। जो भी पीएसओ सेक्टर है इसका किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर अभी देखिए, उसका भी शेयर बिकने वाला है, आपको यूनिट स्तर के नेताओं ने इसको किस तरीके से बयां किया, उसका भी शेयर बिकने वाला है। ये सारा मजदूर विरोधी काम जो केंद्र सरकार कर रही है उसके विरोध में हम सब बंद कर रहे हैं। कोल सेक्टर में भी जो प्राइवेटाइजेशन का खेल चल रहा है, मजदूरों का जो भी मैंने अभी कुपुर में भी कहा कि जो फोर कोड नियम जो लागू किया गया वो पूरी तरह से मजदूर विरोधी है, इसको वापस लिया जाए, यही सब प्रमुख मांग है जिसको लेकर हम लोग आज बंदी का समर्थन कर रहे हैं। दो दिवसीय बंदी आज हम एरिया 3 में आए हैं, एरिया 3 का प्रोजेक्ट बक्सर से हम बात करेंगे, बंदी का क्या कारण है और इसका क्या जरूरत पड़ा। सर, ये जो दो दिवसीय धरना है, बंदी है, उसका क्या मतलब, जो ट्रेड यूनियन है वो क्या चाहते हैं? देखिए, डायरेक्ट डिमांड तो कोल इंडस्ट्रीज नहीं है, बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग
विशिष्टील की ओर से ब्लॉक 4 के एजेंट से जब हमारे संवाददाता संतोष ने इस बात को जानने की कोशिश की कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या हड़ताल राष्ट्र में या बीसीसीएल के हित में है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है बिल्कुल यह ना तो राष्ट्र में है ना तो बीसीसीएल के हित में, और जो भी गलत प्रचार किया जा रहा है इसका हम लोग खंडन करते हैं। तो कहते हैं जो बीसीसीएल भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र का हत्या भी कर रहा है और अपना सारा चीज कब्जा कर लिया। ईवीएम खुलेगा, सरकार जीतेगा, इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए। जब तक इस देश में क्रांति नहीं होगा, मजदूर किसान नहीं सचेतन होगा, तब तक ये सरकार का कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है। धन्यवाद। तो फिर ये 18 सूत्री मांग ये सब क्यों रखे हैं और दो दिवसीय में तो बहुत घाटा होगा बीसीसीएल को, ऐसा क्यों? तो मांग ही ना जाए तब इसको क्या बनाए, तो हाई लेवल का चीज है, पर तो डिपेंड करता नहीं है, इसलिए मांग हमारे से जायज नहीं है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। तो आप यूनियन से क्या आग्रह करें? मांग इसको जल्द से जल्द। दो-तीन कोलेरू का ये किया, जांच किया, तो वहाँ पर कुछ तो बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं ये बंदी में शामिल होंगे, हम लोग काम में लौटेंगे, और कहीं पर देखा जा रहा जो पूरी तरह बंद है, तो इस पर फूट क्यों पड़ी है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक BMS जो है ये बंद में बंद का समर्थन नहीं कर रही है, बाकी 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन बंद का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। और जहाँ तक मजदूरों की बात है तो मैं आपको बता दूँ, कहीं इक्का दिक्का मजदूर की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैक्सिमम मजदूर बंद का समर्थन कर रहा है। और हर कोलियरी में अगर आप गए होंगे तो ठीक है, मैनेजमेंट भी इसमें अपना कुछ चाल और अपना प्रोपेगेंडा चल रहा है, कहीं कहीं ये मजदूरों को बरगलाकर हाजिरी बनवाने का काम और कोशिश कर रहे हैं कि रेजिंग चालू हो जाए, डिस्पैच चालू हो जाए, पर ऐसा कहीं नहीं है। आपको हर कोलियरी, जिस कोलियरी में अगर आपको शंका हो, एक बार पुनः जाके मेरे कहने से आप एक बार चेक कीजिए, कहीं भी ना रेजिंग हो रहा है, ना प्रोडक्शन हो रहा है, ना डिस्पैच हो रहा है।